धनबाद पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। आए दिन बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग में कोयला डंपिंग को लेकर हो रहे खूनी संघर्ष से पुलिस भी काफी परेशान नजर आ रही है। कोयला को लेकर जिस तरह दो दिनों तक फायरिंग और पथराव की घटना हुई, इसको लेकर पुलिस गंभीर नजर आ रही है। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में नेता हो या कोई और, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना में जिनके खिलाफ 3 से ज्यादा मामला दर्ज होगा उसके खिलाफ सीसीए लगाया जाएगा। बता दें कि अब तक इस मामले में 300 अज्ञात और 105 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। अंतर्गत मोदी जी जो सिजुआ फाइव होता है वहाँ पे वर्चस्व को लेकर दो गुट के बीच में मारपीट होने का और बम और गोली चलाने का सूचना प्राप्त हुआ था। तो सूचना में हमारा पुलिस बल भी वहाँ पे डिप्लॉयड पहले था। पुलिस के सामने भी कुछ लोगों के द्वारा दूर में रह करके आपस में गोलीबारी किया। हम लोग कुछ 5 सुतली बूंद भी रिकवर किया है और 2-3 खोखा भी बरामद किया है। इस घटना में सबसे पहले प्रशासन के द्वारा अपना एक एफआईआर रजिस्टर किया, इसमें अराउंड 40 पीपल नेम्ड है और अराउंड 200-300 आदमी को हम लोग अभी बनाया गया है। और इसको अगर किसी आदमी के द्वारा अपना फायदा के लिए क्रिएट किया है उसका जांच के लिए एसआईटी का गठन ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में किया गया है। एसआईटी के द्वारा हर पहल का जाँच करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।